नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों के विरोधी से किसान सभा की बैठक हुई। बैठक में योजना के खिलाफ लिया गया फैसला। 18 मई को हर गांव में और बस स्टैंड पर किसान देंगे धरना। 25 मई को लघु सचिवालय जहां धरना देने का ऐलान। सरकार की योजना को बताया गलत। किसानों ने कहा कि सरकार ने लिया है किसान विरोधी फैसला। किसान नहीं छोड़ सकते धान की बिजाई। किसानों ने कहा कि वैकल्पिक फसलों की मंडी नहीं होती और ना ही वहां पर खरीदारी होती है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। मनोहर सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत किसानों के गले से नीचे नहीं उतर पा रही। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। योजना के विरोध में आज बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ विरोधी नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि सरकार ने आनन फानन में जो फैसला लिया है सरासर गलत है और किसान विरोधी है। किसानों ने कहा कि पहले से ही किसान कर्ज की मार झेल रहे हैं। किसान अगर धान की फसल नहीं लगाएंगे तो किसानों की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उनका कहना है कि सरकार धान के स्थान पर जिन वैकल्पिक फसलों की बात कर रही है उनकी पैदावार इलाके में होना संभव ही नहीं है, और अगर हो भी जाती है तो इन फसलों का अभी तक मंडीकरण नहीं हुआ। ऐसे में किसानों के सामने इन सभी फसलों को बेचने का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार को हम चेतावनी देते हैं। किसान आगामी 18 मई को सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपने अपने गांव में और बस स्टैंड के बाहर धरना देंगे और 25 मई को अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के सैकड़ों की संख्या में लघु सचिवालय को घेरेंगे और अब वहीं प्रदर्शन किया जाएगा। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये योजना पूरी तरह से गलत है जी। कोरोना महामारी के चलते जरूरत थी कि लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया जाता, जबकि सरकार ने यह नीति लागू करते हुए लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। रतिया के किसान लंबे समय से धान की खेती कर रहे हैं। जब तक पानी था सरकार ने लोगों से धान लगवाया, लोगों ने सरकार को धान पैदा करके दिया, और जैसे ही पानी नीचे चला गया तो ज़रूरत थी सरकार किसानों के साथ खड़ी होती, उनके लिए प्रबंध करके देती, ताकि पहले की तरह ही यहाँ का किसान धान पैदा करके देश को दे सकता। लेकिन सरकार ने जब आपदा आई तो सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो किसान पर फोड़ दी। अब जब ये लागू की है ये नीति, ये समय के अनुसार भी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी किसान? हम इस नीति का विरोध करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। पहले अगर सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं देती है तो जो भी बनता है उसी तरह से विरोध करेंगे। काले झंडे भी दिखाएंगे, हम ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, जो भी हम कर सकेंगे वो हर कदम उठाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। जो योजना मुख्यमंत्री सर, जो योजना है सरकार ने अपन नू पानी बचाओ वाली चलाई है, एक ये टुकलकी फरमान एक जिहड़ा साडे जिमीदारां ते थोपिया गया गा, ये असी इसका पूरा विरोध करांगे। क्योंकि जिहड़ी यह इन्होंने लॉन्च की है अपनी स्कीम, ये जिमीदारां दे विरुद्ध है। बाकी जिहड़ा इस एरिए दा जिहड़ा किसान आ, वह कोई जीरी आपकी खुशी नाल नहीं लाउंदा, इत्थे मजबूरी है साडी लाउणी, क्योंकि ये फ्लडड एरिया गा। फ्लड आउण करके सीजन दे विच इक पासे साडे घग्गर है, एक पासे साडे भागड़ा जांदी है, उहदे करके सीजन 'च जिहड़ी घग्गर है ओवरफ्लो हो के साडे खेतां पिंडां दे विच पाणी आ जांदा। जिहड़ी दूजी फसल आ उह तां एक दो घंटे सरवाइव नहीं करदी, दो घंटे दे विच मर जांदी हैगी। इह जिहड़ी जीरी है सिर्फ इक्को ही जीरी फसल है जिहड़ी मरदी भी नहीं ते दुबारा भी लग जांदी हैगी। बाकी जो किसानां दीआं लिमिटां बणीआं होईआं ने, जो खर्चे ने गे, वो जेडे कह रहे ने लाउण नूं मूंगी दालां ये पूरियां नहीं करदियां। जिमीदार दा सिर्फ जेड़ा खर्चा हैगा वो पूरा होगा जीरी नाल, क्योंकि इस एरिए दे विच जेड़ी जमीनी दी तय है वो सिर्फ जीरी नूं मानदी है, होर फसल नूं कोई मानदी नहीं। असी यह जिहड़ी स्कीम असी इहदा विरोध करांगे जज के, ते हरेक नूं प्रेरित करांगे भी जीरी लाओ ते आपदी फसल गाओ। जो ये मुख्यमंत्री ने अचानक से जो योजना लॉन्च की है कि मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक अचानक लिया हुआ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है। बिना सोचे समझे बिना तैयारी के सरकार ने किसानों पे थोप दिया है, और वो भी एक स्पेशल एरिया में।
और एक कोरोना जैसी जो महामारी है जो इतनी तेजी से फैल रही है, उस दौरान ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि किसान तो अपने घरों में दुबका हुआ था। इस कोरोना से जो लड़ने के लिए जितना संघर्ष किसान ने किया, और सबसे सस्ती जो चीज़ है वो किसान ने बेची है, इसमें हर चीज़ हर बंदे ने मुनाफा देखा है मगर किसान ने नहीं देखा। तो सरकार ने किसान का कुछ भी नहीं सोचा। एक स्पेशल एरिया, ये खासकर रतिया एरिया है, ये फ्लडेड एरिया है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, और यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा कर्जे के नीचे है। सरकार ने अगर तैयारी करनी होती सबसे पहले आगे किसान को कहते, धान लगाने से भी किसान के कर्जे नहीं उतर रहे, तो मूंगी और नरमे से हम कैसे सोच सकते हैं कि किसान का जो कर्जा वो उतर जाएगा। सरकार कर्जे माफ़ करके आती, बुन्ना शुगर मिल को चालू करके आती, हमारा एफर्ट का जो कॉटन का कारखाना है उसको चालू करके आती, हमें बीज उपलब्ध करवाती, गन्ना लगवाती। ये फैसला आप ले रहे हो मई में आके, जो कि आपको फैसला जनवरी या फरवरी में लेना चाहिए। अगर किसान वहाँ पे नरमा या कुछ और चीज़ भेजता, 7,000 रुपये का आप ढकोसला कर रहे हो, जिसकी सुनने में आया कि 25% एक इंस्टॉलमेंट है वो पहले आएगी, 75 उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद में आएगी, ये कुछ नहीं आने वाला। जो इन्होंने पहले कहा बोनस का, पिछली धान खरीद में भी यही हुआ, 6 तारीख को धान खरीद बंद कर दी गई थी, उसके बाद में कोई भी धान नहीं तुला, 100 रुपया जो बोनस देना था वो नहीं दिया। ये सरकार की एक ही नीति है, इनके पास स्टॉक है, अनाज का स्टॉक है, अवेलेबल है, इनको अनाज चाहिए नहीं, इन्होंने अपना पीछा छुड़वाना, इन्होंने हमारी खरीद नहीं करनी। हम इसका घोर विरोध करेंगे, सड़क से लेके कोर्ट तक जो भी उचित मार्ग होगा उस पर जाएंगे, और सरकार की स्थानाशाही नीति के खिलाफ हम धान लगाएंगे, और सारा जो रतिया ब्लॉक है ये धान लगाएंगे। फैसला बिल्कुल गलत है, अचानक फैसला दे दिया गया, पानी का जो गिरता सतरा, इसलिए मतलब ये खेती की नीति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर बुन्ना शुगर मिल बंद पड़ी है, और यहाँ ऐसी धरती है जहाँ सिर्फ धान ही पैदा किया जा सकता है, जहाँ गन्ना पैदा किया जा सकता है, और दूसरी फसलें नहीं हो सकती। जैसे वो कह रहे भी आप मूंगी की फसल बो जहाँ मक्की की फसल बो, उस पर हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, मगर कुछ इलाका ऐसा है जहाँ मूंगी और मक्की नहीं हो सकती, और ना ही उनकी कोई खरीद की गारंटी है। आज तो सरकार ये कह रही है भी मूंगी आप बीज लो या मक्की बीज लो, मगर उसका मंडीकरण ही नहीं है, और किसान के खिलाफ ये फैसला है, एकदम ये फैसला देना गलत है। इसका विकल्प पेश करना चाहिए था धान का, जितनी धान में आमदन है उससे ज़्यादा आमदनी किसी और फसल की गारंटी सरकार लेती। जैसे नरमे, बहुत सारा इलाका हमारा नरमा पहले पैदा करता था, मगर वो जब नरमे का भाव ही नहीं मिला और लोग मजबूरन धान लगाने लग गए, और आज यदि नरमे का भाव 10,000 रुपया कर दिया जाए और गुवारे का रेट दे देती गवर्नमेंट, तो बहुत सारा इलाका जो वो नरमे के नीचे आ सकता था। मगर ये तानाशाही नीति बनाई जा रही है, मान लो किसी पाबंदी लगानी, जैसे अंग्रेज राज में पाबंदी लगाई जा रही थी, ऐसे पाबंदी लगा के मान लो किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसान पहले कर्ज की मार के नीचे है, आढ़तियों का कर्जा और बैंकों का कर्जा, इतना कर्जा है कि किसान पहले ही बहुत हताशा में चल रहे हैं, और उल्टा ऐसा फैसला तब आया जब बहुत सी फसलों के सीजन जा चुका है, और ये फैसला किसानों को बर्बाद कर देगा। आज हमने खेती बचाओ कमेटी की एक मीटिंग की है, हमने फैसला किया कि हम इस सरकार इस लॉकडाउन को तोड़वाना चाहती है खुद, क्यों हम इसका पालन कर रहे हैं, लोग जो वायरस है उसके चलते घरों में दुबके बैठे हैं, मगर सरकार चाह रही है भी किसान सड़क पर आए, हम मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम लगातार सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, और ताकि किसानों को मजबूरन इकट्ठा ना होना पड़े। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, यदि हम मैदान में नहीं आएंगे तो बहुत सारे किसान जैसे आत्महत्याओं की जो गिनती किसानों की पहले ही बहुत है, यहाँ और बढ़ेगी, और इसका कोई चारा नहीं आंदोलन के सिवाय, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। 18 तारीख को हम जितने भी गाँव हैं गाँव सत्र पर धरने लगाएंगे, और 25 तारीख को हम DC कार्यालय की तरफ अपने ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे, और इसके लिए जो भी मान लो आंदोलन होगा इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि यदि हम खेतों में धान ही नहीं उगाएंगे, फसल नहीं उगेगी तो खाएंगे क्या। इसलिए भूख से मरने के बजाय, कर्ज के बोझ के तले दबके मरने के बजाय सरकार के साथ संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और यही एक रास्ता है। और ये सरकार का फैसला बिल्कुल तानाशाही फैसला, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ये अंग्रेज राज नहीं है, लोकतंत्र राज है, इस देश को याद कराने के लिए देश के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, अंग्रेजों का राज यहाँ नहीं चलेगा, और इस नीति को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हर हाल में धान इस बार हर हाल में लगाएंगे हम, और इसके लिए हमने तैयारी कर ली है। सरकार से टकराव भी होगा तो किसान टकराव से पीछे नहीं हटेगा। सर, ये धान को लेकर सरकार के क्या आदेश है, और किस तरह से आदेशों की पालना विभाग की? ये इस बार हरियाणा सरकार के निर्देश आए हैं कि हमारे जो फतेहाबाद में जो रतिया ब्लॉक है, इसके अंदर हम पिछली बार जितनी धान की बिजाई हुई थी उसमें हमने इस बार क्षेत्रफल 50% कम करना है। इसके अवेज में हमारी डायरेक्टर जनरल के साथ VC भी हुई है, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर जो कॉटन है, शनिवार को उन्होंने मीटिंग भी सभी अधिकारियों की, सभी स्टाफ की ली है, और उसमें ये आदेश दिया है
कि जो रकबा है किसान को प्रोत्साहित करना है कि वो इस रकबे को घटाए। क्योंकि हमारा जो भूजल है वो काफी गिरता जा रहा है। हमारे रतिया ब्लॉक में जो भूजल है वो 42 मीटर से नीचे चला गया है। इसके लिए सरकार की ये मंशा है कि हम इस जो रकबा जो हमारा कम होगा इसमें हम कपास बीटी व मक्का व दलहनी फसलें व जो हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं सब्जियों का उसमें किसान लगा सकता है और उसके लिए किसान को प्रति एकड़ 7,000 रुपये उसके खाते में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जागरूक कैसे किया जा रहा था किसानों को भी धान छोड़ के हमने हमारे जो रतिया ब्लॉक में 52 गांव हैं इसके लिए हमने 43 हमारे जो प्राइमरी वर्कर हैं उसमें ADO हैं उसमें BO हैं हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनके हमने ड्यूटी लगाई है और प्रत्येक 6 से 8 गांव के ऊपर हमने क्लास 2A का अधिकारी लगाया है। वो गांव-गांव में जाके इसके सरकार की स्कीम के बारे में प्रचार करेंगे और किसानों को बताएंगे कि जो हमारा जो है इस बार जो भूमि जो जल है हमारा गिरता जा रहा है और आप इस पैडी की जगह जो ये फसलें हैं कपास है मक्का है दलहनी फसलें हैं ये लगाएं जिससे कि सरकार की जो मंशा है जो सरकार का जो टारगेट है जो 50% एरिया घटाने का वो पूरा हो सके और इसके अवैज में किसान के सीधे खाते में 7,000 रुपये भी सरकार ट्रांसफ़र करवाएगी। जिस तरह किसान अगर धान की खेती कर लेता है उस पर कोई जुर्माना भी लगाया जाएगा इस तरह का कोई प्रावधान है? अभी तक हमारे पास जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुरूप ये है कि जो किसान अगर 50% से कम अपना धान का रकबा नहीं करेगा तो उसको जो विभाग जो सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी नहीं देगी और इसके अलावा जो उसकी जो फसल जो खरीद है उसकी फसल खरीद नहीं होगी। अभी तक तो हमारे पास यही आदेश आए हैं अभी।